जो किसानों का धरना जो है वो चल रहा है, पुलिस जो है उनसे समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि नंद किशोर गुर्जर जो विधायक है उनके खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज की जाए। ये जो धरना है कल भाजपा के नंद किशोर गुर्जर और भाजपा के एक विधायक है सुनील शर्मा, जिन्होंने हमारे वहाँ धरने के ऊपर अपने गुंडों के साथ गुंडागर्दी करी, तोड़फोड़ करी। यहाँ आज उसकी एक तहरीर दी गई, लेकिन अब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। एक FIR दर्ज नहीं हुई उससे पहले वो एक दूसरा वीडियो जारी करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि सरकार अगर इन पे कार्रवाई नहीं कर सकती तो हमने ठेका दे दो, हम 24 घंटे में इनको यहाँ से जूत मार के भगा देंगे। क्या भाजपा ने अपने पेड़ गुंडे छोड़ दिए अब देश में? क्या गुंडागर्दी चलेगी और पुलिस तमाशा देखती रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी? यही धरना इसलिए है कि FIR दर्ज करी जाए, उन विधायकों को गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो जनता सड़कों पे उतर करके इनका इलाज। तो पहले से ही सड़कों पर उतरी हुई है, यहीं पे बगल में ही। तो आप लोग का ये धरना कब तक चलेगा? नहीं, ये तो तब तक चलेगा जब ठोस कार्रवाई नहीं हो जाएगी, मुकदमा दर्ज नहीं हो जाएगा और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध मुस्मानी, भर समाचार दिल्ली। इस वक्त हम कौशाम्बी थाने के इधर बुलंदशहर में भाक्यू कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली की ओर रवाना हो गए। पुलिस ने भाक्यू के कार्यकर्ताओं का काफिला रोक लिया। कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ट्रैक्टर काफिले के साथ दिल्ली कूच कर गए। हमारा राष्ट्रीय आह्वान है, राष्ट्रीय आह्वान पर हम सब लोग जो कुछ हमारे साथी आ गए 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के बाद में राष्ट्रीय आह्वान हुआ है। नरेश जगत जी ने आज मुजफ्फरनगर में पंचायत करने के बाद उसके बाद हम दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। अखिल पे BJP वाले ने करवाया हंगामा, किसान ने किसी ने किया, अमित शाह मोदी के साथ में फोटो उसके उनके घर में रहे। किस तैयारी के साथ आप जा रहे हैं? किस तैयारी विरोध में हम किस तैयारी के साथ जा रहे हैं? आप कितने दिन रुकेंगे या वापस आएंगे? हम आना रहे जी, हम तो आर पार करके आएंगे बिल्कुल। और बागपत से बड़ी खबर है, जहां पर फोटोग्राफर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। फोटोग्राफर की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रमाला के भरवाला बासौली रोड की पूरी घटना है। बड़ी खबर मामला बता रहे हैं किस तरह से फोटोग्राफर की यहां पर हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने यहां पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से फोटोग्राफर की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं किस तरह से फोटोग्राफर की हत्या की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल पा रही है जिस तरह से फोटोग्राफर की हत्या की गई है? बिल्कुल चंद्र, मैं बता दूं, जनपद बागपत में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि एक के बाद एक बार हत्या की वारदात जैसी को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला रमाला थाना क्षेत्र का है, जहां बुड़ोत में एक फोटोग्राफर की दुकान है। वो अपनी दुकान को बंद करके साइकिल पे जा रहा था। इसका नाम सरवन पाल है, जो अपनी दुकान को बंद करके अपने गाँव बसोली में जा रहा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने इसकी गोलियों से मारकर हत्या कर दी है। पुलिस अभी पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है कि हमलावर कौन था, कुछ लोगों ने इनकी हत्या की है। विभिन्न तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इधर संबल से खबर है, जहां पर चाचा को फंसाने के लिए बेटी को आग लगा दी गई। कलयुगी पिता ने बेटी को बनाया हथियार। मासूम बेटी की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शराब के नशे में पिता ने बेटी को आग लगाई थी। सदर कोतवाली के रजाभूट गाँव का यह पूरा मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही मामले में? मैं यह बताना चाहूंगा कि ये पति पत्नी में आपसी विवाद था पारिवारिक, इनमें तो ये दारू पीता था ये मासूम का पिता, और उसने पत्नी से झगड़ा किया था। पत्नी पड़ोस में जाकर छिप गई, लेकिन उसने नाराज होकर के पति ने इसी बात को लेकर के जो झुलसने वाला पदार्थ था वो उसके ऊपर डाल करके आग लगा दी, जो मासूम झुलस गई। सूचना पर उसके जो परिवार वाले थे उसको लेकर के अस्पताल पहुंचे, जहां पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने जो आरोपी पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया है और तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है पुलिस। ये संबल सदर कोतवाली के रजापुर गाँव का मामला है जी। सुनील, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इधर अमरोहा में 9 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या आरोपी ने ईंट से बालक का सिर कुचल दिया। शव के पास ईंट पर खून के निशान भी मिले हैं। झाड़ियों में शव मिलने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके सर पे एक चोट है और पास में एक ईंट पड़ी है जिसपे भी खून लगा हुआ है, तो संभवतः उसी को यूज किया गया है। बाकी हम लोग आसपास के कैमरेज वगैरह दिखवा रहे हैं,
तीन टीम का हमने अभी गठन कर दिया है, तीनों को वर्क डिवीजन भी कर दिया है कि कहां कहां के कैमरास और किन किन लोगों से पूछताछ या बातचीत करनी है। और इस बीच कानपुर से खबर है जहां पर भाजपा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष पर हमला किया गया है। बाइक सवारों ने जानलेवा हमला किया है। 6 से 7 गुंडों ने जानलेवा हमला किया। अमृत समझकर गुंडे छोड़कर फरार हुए थे। गंभीर हालत में उपाध्यक्ष को कानपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष पर हमले की खबर हम आपको बता रहे हैं। 6 से 7 गुंडों ने जानलेवा हमला किया है। अमृत समझकर छोड़कर गुंडे फरार हुए थे। गंभीर घायल उपाध्यक्ष को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 से 7 गुंडों ने जानलेवा हमला किया है। वैभव राजावत के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष हैं ये। वैन और बाइक सवारों ने जानलेवा हमला किया है। कानपुर से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनीश हमारे साथ हैं। अनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है जिस तरह से ये हमला किया गया है? देखिए, वैभव राजावत हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के चौबेपुर के मंडल उपाध्यक्ष हैं और ये कानपुर नगर में एक बिल्डर के यहाँ सुपरवाइजर की नौकरी करते हैं। आज नौकरी करने के बाद अपनी बाइक से वापस चौबेपुर जा रहे थे, तभी चौबेपुर के पहले एक दो बाइक पर एक मारुति वैगन आर सवार लोगों ने इनको घेरा और चल कर पीटा, इनको मरा समझकर वहां फेंक कर चले गए हैं। इसके बाद लोगों ने जब सड़क किराया पड़ा देखा तो घर वालों ने सूचना दी है, इनको गंभीर हालत अस्पताल लाया गया है क्योंकि हमलावरों ने इनको मारने को ट्रेसर नहीं छोड़ी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि इनसे कोई दुश्मनी रही होगी और दुश्मनी उनको मरा समझकर छोड़कर यहाँ चले गए। हालांकि अब पुलिस अधिकारी मौके पहुंच गए हैं और वहां पर जांच शुरू कर दी है। और इस तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो कानपुर से हम आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर किस तरह से ये घटना सामने आई है। हमला हुआ है, बैन और बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया है। मेरे समझकर छोड़कर ये गुंडे फरार हुए थे। कानपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। 6 से 7 गुंडों ने जानलेवा हमला किया है। कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से ये घटना सामने आई है। कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच मथुरा से खबर है जहां पर कृषि कानून के विरोध में महापंचायत की गई है। राकेश टिकैत के समर्थन में कल महापंचायत होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल पा रही है जिस तरह से कल महापंचायत बुलाई गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताने देना चाहूंगा इस पूरे जो काले कृषि बिल के विरोध में जो लगातार जो विरोध चल रहा है किसानों का, लगातार आप देखें जिस तरह से दिल्ली में विरोध चल रहा है लगातार, उसी के संबंध में कल जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी वो किसानों के उसमें कल आएंगे और उसको मोरकी मैदान के इंटर कॉलेज में किसानों के पंचायत की अगुवाई करेंगे और इसमें काफी किसानों की भीड़ जुटने की आशंका भी जता रही है। इसमें यही बताया जा रहा है कि लोकल नेता जैसे कि रामबाबू कटेलिया, योगेश नौबार, बिल्कुल गौरव, कल महापंचायत बुलाई गई, देखने वाली बात होगी इसमें किसान क्या कुछ तय करते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया।